गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर थर्ड माय बॉडी। हम चैप्टर थर्ड को माय बॉडी को रीड कर रहे हैं और उसमें हम पार्ट्स ऑफ बॉडी को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो हम वन बाय वन करके उसके पार्ट्स ऑफ जो क्या क्या फंक्शन है उन सबको हम लेते जा रहे हैं। तो ये देखिए, आप सभी को ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्या पूछा जा रहा है, दिस इज अरुण्स फुटप्रिंट। ये किसका पैर दिखाई दे रहा है, एक अरुण है उसका पच्ची नहीं है। इन द गिवन स्पेस, स्पेस जो दी गई है, राइट डाउन ऑल द थिंग्स दैट यू कैन डू विथ योर फुट। इसमें वो चीज़ें आपको लिखनी है जो हम अपने पैरों की हेल्प से कर सकते हैं, ये हम क्या क्या वर्क करते हैं, तो ये सारे वर्क हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो जैसे हिंट के लिए हमें दिया, कैन वॉक विथ माई फुट। तो जनरली हम सब जानते हैं कि मेन थिंग जो हमारी क्या है, आई कैन वॉक विथ माई फुट। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। तो यहाँ पे जो लाइन स्पेस बनी हुई है उसमें मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, आई कैन वॉक विथ माई फुट। सेकेंड है, आई कैन स्टैंड विथ माई फुट। देखिए, हम पैरों की हेल्प से तो खड़े होते हैं ना, तो हम मैं खड़ा भी हो सकता हूँ। आई कैन जम्प विथ माई फुट, मैं अपने पैरों से क्या कर सकता हूँ, जंप कर सकता हूँ। देखिए, जंप हम तभी तो करेंगे ना जो अपने पैर वेर सही होंगे ढंग से, तो उनसे हम जंप कर सकते हैं। आई कैन किक विथ माई फुट, यानी मैं अपने फुट से क्या कर सकता हूँ, जंप किक भी कर सकता हूँ। करते हैं आप प्लेइंग करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या कुछ ऐसे गेम खेलते हैं बॉल से, तो आप किक करते हैं, यानी किक करना मतलब उसको ठोकर लगाते हैं, आप उसको लात मारते हैं, है ना। तो लात मार के आगे पास करते हैं उसको, तो उसे किक मारना कहते हैं। तो आई कैन किक विथ माई फुट, आई कैन वॉक विथ माई फुट। तो देखिए अगेन ये रिपीट हो गई है लाइन, आई कैन वॉक विथ माई फुट। तो आप ही को ये पता है कि हम इस अदर भी वर्क कर सकते हैं, जैसे हम डांस भी तो करते हैं तो उसमें भी हमें पैरों की हेल्प लेने पड़ती है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था लेग्स के, तो क्या क्या वर्क होता है, तो वही चीज़ें हमारे फुट के लिए भी है, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आपको कुछ और आ रहा है तो आप लिख सकते हैं इसमें। तो ये वर्क होता है, तो ये हमें स्पीक भी करना है, आई कैन वॉक विथ माई फुट, आई कैन स्टैंड विथ माई फुट, आई कैन जम्प विथ माई फुट, आई कैन किक विथ माई फुट, है ना। तो आप फुट से ये वर्क कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट, टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी। अब देखिए हम किस तरह से अपनी बॉडी को केयर कर सकते हैं, केयर भी तो करनी पड़ती है ना। देखिए, हमने फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा कि ये चीज़ें होती है, टीथ होता है, स्टमक होता है हमारे, अदर आइज भी है, ईयर भी है, नोज भी, सबके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन अब कैसे हम अपने जो बॉडी है, शरीर है, उसको केयर कर सकते हैं। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज अ लॉट ऑफ वर्क। आप सबको पता है हमारा जो प्रत्येक शरीर का हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा वर्क करता है, हर का अलग अलग फंक्शन होते हैं और कितने उनके ऊपर वर्क होता है, तो बहुत ज़्यादा वर्क करता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, और इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने शरीर की क्या करें, टेक केयर करें, देखभाल करें। वी शुड कीप इट क्लीन, फिट एंड हेल्थी, और ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इसको कैसा रखें, हैप्पी रख, मतलब क्लीन भी रखें, फिट भी रखें और हेल्थी भी रखें, ठीक है। ये हमारी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मान लीजिए हम बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि नहीं होगी, हमारे जो बॉडी में से काफ़ी सारे ऐसे वो हो जाएंगे कि हम गंदे लगने लग जाएंगे, तो डस्ट वो हो जाएगी हमारे ऊपर, पूरी तरह से कवर हो जाएगी, मतलब छा जाएगी। तो हम सबको क्या करना है, अपने शरीर को साफ़ रखने के लिए और मतलब फिट रखना और हेल्थी रखने के लिए इसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें ये ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि हमारा शरीर कैसा हो, हमारी बॉडी क्लीन भी हो, फिट भी हो और हेल्थी भी हो, ओके। तो ये सब हमें एफर्ट्स करने होते हैं। तो देखिए, इस एफर्ट्स को करने के लिए हमें क्या क्या करना है, राइट द नेम्स ऑफ द एक्टिविटीज़ गिवन इन द पिक्चर। अब देखिए, नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई है, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ आपको बताई गई है, इन सब एक्टिविटीज़ के नाम आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट में आप क्या देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है एक लड़की ब्रश करती हुई दिखाई दे रही है, तो ब्रशिंग हमें क्या करना चाहिए, देखिए
हम मॉर्निंग में जब उठते हैं तो हमें ये डेली जो प्रोसेस होती है वो जरूर करनी चाहिए। ये नहीं कि हम अभी हमारे चलो कोरोना टाइम चल रहा है आप लोग लेज़ी हो जाते, कई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। हमें डेली रूटीन को फिक्स रखना है अपने। तो हमें क्या करना है, ब्रश करना है तो ब्रशिंग, और नेक्स्ट है हमें बाथिंग। अब देखिए बच्चा दिखा दे रहा है ना बात करते हुए, तो ये भी हमारे शरीर को क्या करना है। अगर हम अपना शरीर को क्या रखना चाहते हैं कि अच्छे ढंग से रखना चाहते हैं, जैसे भाई देखो कितना वर्क करता है, और हम अपने शरीर की देखभाल करना चाहते हैं तो उसको हमें क्लीन भी रखना है, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, बाथिंग की। हमें बात करते रहना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे ईटिंग कर रहा है ये बच्चा या वॉचिंग कर रहा है, हैं दोनों ही वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे ईटिंग भी कर रहा है, वॉचिंग भी कर रहा है, ये कुछ चीज़ देख के, तो यहाँ पे उसकी नज़र इस थिंग्स पे पड़ रही है, तो यानी वॉच कर रहा है, उनको देख रहा है, ठीक है। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, बैट के साथ में प्लेइंग कर रहा है ना, बैट के साथ में प्लेइंग करते हुए दिखाते हैं, यानी खेल रहा है ये बच्चा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे प्लेइंग होगा, यानी ये डूइंग एक्टिविटीज़ कर रहा है यहाँ पे, जैसे ब्रशिंग करना, बाथिंग करना, वॉचिंग करना, ईटिंग करना, प्लेइंग करना, ये खेलना, देखना, नहाना और ब्रश करना। बाई डूइंग दिस एक्टिविटीज़ वी कीप आवर बॉडी फिट, हेल्थी एंड एक्टिव। अब देखिए जब हम ये ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे तो इससे हमारा शरीर कैसा रहेगा, फिट, हेल्थी एंड एक्टिव। अगर हम रखेंगे हमारे शरीर को फिट, हेल्थी और एक्टिव रख सकेंगे इस तरह से, है ना। तो आप सबको डेली ये प्रोसेस करनी है। आप सबका फिक्स टाइम होना चाहिए कि मॉर्निंग में आपको ब्रश, यानी ट्वाइस ए डे, यानी दो बार दिन में दो बार आपको करना है ब्रश, ठीक है। तो आप मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों कर सकते, बिफोर योर फूड। तो यहाँ पे इवनिंग टाइम में क्या करना, आफ्टर फूड, आपको अपने फूड के बाद में करना है, ओके। जब आप भोजन ले चुके होते हैं तो लास्ट में ब्रश करके आप सोएंगे, तो ये चीज़ें ज़रूर आपको फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन्स, यानी हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से। सेंस होता है ना हमें, जैसे कोई समझ में आना या किसी चीज़ के बारे में होता है, तो वो ऑर्गन्स अंग कौन से हैं। द आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर आवर फाइव सेंस ऑर्गन्स। ये सब क्या है, हमारे फाइव जो पांच है सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आंखें होती है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। दे हेल्प अस नो अबाउट द थिंग्स अराउंड अस। वे हमारी हेल्प किस में करते हैं, जो हमारी कोई आसपास में जो भी चीज़ें होती है उसको देखने में, समझने में हेल्प करते हैं, जानने में। दीज आर अवर फाइव सेंस, और हमारे कितने सेंस होते हैं, फाइव सेंस होते हैं। अब देखिए आई से हम क्या वर्क करते हैं, सी करते ही नहीं करते आई से, ठीक है। और ईयर से क्या होता है, हीयर होता है, यानी सुनते हैं। नो से हम स्मेल को लेते हैं, और टंग से टेस्ट फील किया जाता है, और स्किन से टच एंड फील महसूस किया जाता है, ठीक है। ये हमें, हम इन्हें क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, जिससे हमें किसी चीज़ के बारे में आभास होता है। अगर हमारे आईज है तो हम किस क्या वर्क करेंगे, देखने का वर्क करेंगे, तो उससे हमें क्या समझ आएगा, सेंस क्या निकलेगा, सी करना, है ना। तो ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। आईज हेल्प अस सी, आंखें हमारी किस में सहायता करती है, देखने में। ईयर्स हेल्प अस हियर, और कान हमारे किस में हेल्प करते हैं, सुनने में। नोज हेल्प अस स्मेलिंग, और नाक हमारी किस में सहायता करता है, कोई भी चीज़ों को सूंघने में हेल्प करता है। तभी तो हमें पता चलता है ना कि अरे नहीं बहुत गंदी स्मेल आ रही, बैड स्मेल है, गुड स्मेल है, तो ये तब उससे हमें पता चल जाता है। तो ये वर्क किसका है, नोज का। तो नोज हेल्प अस स्मेल थिंग्स, टंग हेल्प्स अस टेस्ट एंड स्किन हेल्प्स अस टच एंड फील। जो टंग होती है, जीभ होती है, वो तो टेस्ट लेती है। कैसे टेस्ट लेती है, वाव तीखा है, मीठा है, नमकीन है, ये सब चीजों का होता है, तो ये टेस्ट ही तो है हमारे। या फिर आपका कुछ भी चीज़ बनती है तो उसका चटकारे लेके आप खाते और कहते हैं वाव मम्मी आज बड़ी टेस्टी चीज़ बनाई है आपने, तो ये टेस्ट होता है। और स्किन हेल्प अस टच एंड फीट, और स्किन हमारी किस में सहायता करती है, टच और फीट में करती है, सॉरी फील में करती है ना। तो फील करना यानी महसूस करना,
देखिए टच करेंगे तभी तो हमें ये होगा, टच करते हैं मान लीजिए हमें कभी कोई प्रेशर से हमें टच करेगा तो हमें दर्द सा फील होगा, और तो इस तरह से हमें टच एंड फील उससे हम कर सकते हैं। ओके तो आपको ये 5 सेंस ऑर्गन्स है उनको लर्न भी करना है इन सभी को, और ये हैबिट्स, गुड हैबिट्स आपको जरूर डेली आपको क्या करनी है, आप लेनी है, यानी अपने वर्क पे इस तरह से फोकस करना है कि डेली अपनी मॉर्निंग में उठते ही आप ये सभी वर्क करें, ब्रशिंग का, बाथिंग का करें, ठीक है। प्लेइंग भी आपको नेसेसरी है, ऐसे नहीं कि प्लेइंग आपको नहीं करना, तो वो भी आपको करना है, लेकिन टाइम जो है वो फिक्स होना चाहिए, आप ही नहीं कि एनी टाइम, क्योंकि आप सबको तो यही चाहिए, नहीं चाहिए कि आपको प्लेइंग करना है, तो आप चाहते हैं कि अरे नहीं मम्मी फ्री कर दे कि हाँ हमें प्लेइंग करना, तो ऐसा नहीं करना बेटा, टाइम टू टाइम योर वर्क, डू योर वर्क। ओके ठीक है, तो ये सेंस ऑर्गन्स के बारे में इनको रीड करना है, और अच्छे ढंग से इसको रीडिंग करते हुए इनको वो करना है आपको। ओके एंड थैंक यू।